सो हे गाइस, वेलकम बैक हो आपका फिर से अपने गेमिंग अड्डा में। सो भाई लोग, आज हम एक जबरदस्त मोड इंस्टॉल करने वाले अपने GTA 5 के अंदर। भाई टोटल नंबर ऑफ 63-65 इंटीरियर जो है लॉस सैंटोस के, वो हम ओपन कर लेंगे सारे। ठीक है, हम एक्सेस करते हो सारे, हम एक्सेस कर पाएंगे सारे इंटीरियर्स को, ऑल 63 इंटीरियर्स को। तो भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा तुमको भी अपने GTA 5 में ये मोड इंस्टॉल करके। तो बिना किसी देरी के हम फटाफट चलते हैं भाई हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे कि कैसे क्या इंस्टॉल करना है। ओके, सो ये हमारा चैनल है, जो पहली बार चैनल पे आया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तुम लोगों को काफ़ी सारे मोड्स के वीडियो मिल जाएंगे। लास्ट जो मैंने मोड का वीडियो बनाया है तुम लोग देख सकते हो, मैप बिल्डर है, व्हीकल कैसे इंस्टॉल करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, सो फटाफट अपन ये चलते हैं अपना ओपन ऑल इंटीरियर का। मैंने ये यहाँ पे ओपन कर रखा है मेरा। ठीक है, तुम लोग ये डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक या दूसरी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से तुमको डाउनलोड करना है। इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए देखो मैं बताता हूँ। ओके, सो इसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या मैं बताता हूँ। इसके अंदर बोला स्क्रिप्ट हुकवी और स्क्रिप्ट हुकवी डॉट नेट, ये जो फाइल्स है ये आपको नेसेसरी है, ये इंस्टॉल होना चाहिए। तो तुम लोग क्या करना, तुम लोग मेरा ये वीडियो चेकआउट कर लेना, इसमें मैंने सारी चीज़ें प्रॉपर डिटेल में बताई। स्क्रिप्ट हुकवी, स्क्रिप्ट हुकवी डॉट नेट, ओपन आई वी, मेन्यू ट्रेनर, सारी चीज़ें प्रॉपर मैंने बताई कि कैसे इंस्टॉल करना है। जो बेस क्रिएट होता है GTA 5 की मोडिंग के लिए, वो पूरा इसके अंदर अपन ने कर रखा है, तो वाला तुम चेकआउट कर लेना। और एक और वीडियो है ये वाला क्रैश फिक्स करने के लिए, ये भी इंस्टॉल कर लेना ताकि तुम्हारे गेम में क्रैशेस ना हो। ठीक है, सारे क्रैश जो होते हैं ना, गेम क्रैश होने लगता है अगर आप ज़्यादा मोड इंस्टॉल करते हो तो, वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई बिना किसी देरी के अपन चलते हैं। देखो उसके अंदर टोटल देर है 65 इंटीरियर से जो अनलॉक हो जाएंगे, जिसको हम एक्सेस कर पाएंगे एक्चुअली। ठीक है, तो फटाफट अभी चलते हैं, हम इसको डाउनलोड कर लेते भाई। यहाँ से तुम लोग भी डाउनलोड कर लो अपना इंटीरियर, सॉरी मतलब मोड। ठीक है, तो मेरा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब मैं अपना डाउनलोड फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। मेरा डाउनलोड फोल्डर ओपन हो चुका है भाई। ओके, इसको साइड करते, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते। ठीक है, काफ़ी सिंपल और इजी स्टेप्स है भाई, तुम लोग भी अपने GTA 5 में ये बहुत इजी तरीके से, मतलब बहुत ही इजी है भाई, बहुत सिंपल है, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, बहुत इजी है। ठीक है, सो भाई ये ओपन हो गया। अब हमको ओपन करना हमारी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी। मेन डायरेक्टरी क्या होता है, जहाँ पे आपने अपना GTA 5 जो है गेम जो है इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, जहाँ पे अपने GTA 5 आपने इंस्टॉल किया हुआ है, सी ड्राइव में, डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में रहता है, बट स्पेस ना होने के कारण कुछ लोग जो है, मतलब मैं भी करता था पहले, जब मेरे पास स्पेस ना नहीं रहती थी तो मैं डी ड्राइव में कर लेता था या फिर ई में कर लेता था, तो वो डिपेंड करता है अपने ऊपर। ठीक है, सो आप उसको ओपन कर लेना। ठीक है, मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको कैसे फाइंड करना है, क्या करना है। ठीक है, मेरा एपिक से है तो मेरा पाथ अलग है, आप लोगों का अलग होगा। जिसका एपिक से है उसका एग्जैक्ट सेम मेरा पाथ होगा, जो मतलब मेरे इसमें जो पाथ होगा भाई आपके इसमें भी होगा। स्ट्रीम वालों का भी ऑलमोस्ट सेम होगा, और रॉकस्टार और क्रैक्ड वालों का भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मैं अपना ये भाई मैंने माई कंप्यूटर खोल लिया, मतलब डिस्पीसी खोल लिया, मेरा सी ड्राइव में गया। सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स में गया। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद एपिक गेम्स में जाऊंगा। एपिक गेम्स में तुमको ये तीन गेम्स दिख गए मेरे, जो एपिक से मैंने इंस्टॉल कराए हुए, ये GTA 5 मेरा ये रहा, मेरे ये चाहिए था। ठीक है, जिसका स्टीम से है वो प्रोग्राम फाइल में जाके स्टीम का फोल्डर फाइंड करना, और स्टीम के फोल्डर में फाइंड करने के बाद यहाँ पे तुम सर्च करके देख लेना सिंपली GTA 5, तुम लोगों को वो मिल जाएगा, उसका पाथ भी मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और जिन लोगों का रॉक स्टार से है उनका डायरेक्टली रॉक स्टार या फिर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 के नाम से प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर जिन लोगों का क्रैकड है उनका ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 या GTA 5 के नाम से ही तुमको प्रोग्राम फाइल्स में ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक की लोकेशन एग्जैक्ट सेम है कि आप सी ड्राइव में जाओगे, लोकल ड्राइव सॉरी सी ड्राइव में जाओगे, देन प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद आपको आपका जो भी गेम होगा वो इंस्टॉल करा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, वो फोल्डर नेम आपके अपने अकॉर्डिंग होंगे तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ पे। ठीक है, सो मेरा भाई ओपन हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है भाई, ओपन ऑल इंटीरियर मैंने डाउनलोड किया था, ये हो चुका है, रार फॉर्मेट में है। मैं हर वीडियो में जिस तरह बोलता हूँ कि ये रार फॉर्मेट में है तो हमको विनार या समझिए आपको चाहिए तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके इसमें इंस्टॉल कर लो, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, बहुत ईजी स्टेप से। सिंपली गूगल पर जाओ, सर्च करो विनार, फर्स्ट या सेकेंड लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके नॉर्मली इंस्टॉल करना है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो आप इजीली इसको इंस्टॉल कर लेना तो आपका ऐसा दिखने लगेगा। अगर आपके इसमें एक कॉपी वाला सॉरी एक पेपर आइकन नहीं दिख रहा है, नोटपैड का आइकन नहीं दिख रहा है, तो ही आपको वो चीज़ करना। अगर ऐसे आइकन दिख रहे हैं या फोल्डर ऐसा फोल्डर उसके ऊपर जिप लगी है तो 7zip इंस्टॉल्ड है आपके इसमें, आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन।
दिख जाएगा तो आप एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, एक्सट्रैक्ट हो चुका भाई हमारा, ये हम ओपन कर लेते हैं हमारा ओपन ऑल इंटीरियर का मोड का जो हमने डाउनलोड की थी फाइल, इसमें एक रेडमी फाइल है और यहाँ पे दो फाइल्स है। तो हमको क्या करना है बहुत सिंपल स्टेप से। ओके, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे से ये दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो हमारी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी जहाँ पे हमारा GTA 5 इंस्टॉल्ड है, जो हमने पाथ खोल रखा ना पूरा, यहाँ पे जाके खाली स्पेस में करना है, यहाँ पे मत करना नहीं तो फोल्डर के अंदर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके सिंपली मैं राइट क्लिक करूँगा, ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये मेरा ये वाला मोड इंस्टॉल हो गया। बहुत सिंपल थी, मैंने कहा था कि भाई बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, हर वीडियो में बोलता हूँ, बाकी वो लंबा हो जाता है, बाकी ये छोटा वाला ही रहेगा वीडियो, ठीक है। ओके, सो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है और हम हमारा गेम लॉन्च करके देख लेते हैं भाई। और लॉन्च करने से पहले भाई एक बार मेरे चैनल को चेकआउट कर लो, जो चैनल पे नया हो, काफ़ी सारे मोड्स के वीडियोस है, हिंदी में भी अब सारे मोड्स मैं लेके आ रहा हूँ, पहले इंग्लिश में बनाए थे मैंने सारे, तो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो अपने GTA 5 में मोड कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो मैं कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा पूरा ट्राई करूँगा। ओके, और चैनल का सब्सक्राइब कर दो, इतना तो बनता है भाई, कर दो, ठीक है। सो हम हमारा गेम लॉन्च कर लेते भाई फटाफट। और बहुत सारे लोग मेरे सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस के बारे में पूछते हैं कि भाई आप क्या क्या आपके पार्ट्स आप क्या क्या यूज़ करते हो अपने सिस्टम में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे मेंशन कर रखे हैं अमेज़ॉन के लिंक के साथ, तो तुम लोग वहाँ चेकआउट कर सकते हो, तुम अगर चाहो तो परचेज भी कर सकते हो। ओके, सो हमारा भाई ये लोड हो चुका है, स्टोरेज मोड पर क्लिक करके एंटर करते गेम के अंदर और देखते भाई कि हमारा जो मोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ये वर्क कर रहा है या नहीं प्रॉपरली, ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इंटीरियर से जो अनलॉक हो जाएंगे, काफ़ी मज़ेदार चीज़ हो जाएगी, ऑनलाइन के जो इंटीरियर से वो भी अनलॉक हो जाएंगे, आप अपने कैरेक्टर को स्पॉन कर सकते हो अलग अलग इंटीरियर्स पे, ठीक है। वो आप कर सकते हो अपने मेन्यू ट्रेनर के थ्रू, ठीक है। तो मेन्यू ट्रेनर कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने पूरा बता रखा है मेरे जो मोड की जो वीडियो वाली, चेकआउट कर लेना। ओके गाइस, हम हमारे लॉस सेंटर्स में आ चुके हैं ट्रेवर के साथ। सबसे पहले हेडफोन लगा लेता हूँ मैं। ओके, एक काम करते हैं, इसको थोड़े कपड़े वपड़े पहनाते हैं भाई। ये देखो, लास्ट वीडियो में मैंने जैसे तुमको बताया था कि रेजिस्टेंस मोड कैसे इंस्टॉल करना है, यूज़ कैसे करना है, तो वो गाड़ी मैंने लॉक की थी ना, अभी तक यहीं पे पड़ी है। देखो इसको जब तक मैं अनलॉक नहीं करूँगा जब तक ये जाएगी नहीं। इसको साइड में खड़ी करते पहले, हमको जाना पड़ेगा लॉस सेंटोस में भी, हम पलीटो साइड है शायद, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसको तो पहले थोड़ा रैंडम अपन क्लॉथ चेंज कर लेते हैं। ओके, सो हमने हमारे ट्रेवर को भाई रेडी कर दिया, बढ़िया, उसकी गाड़ी भी आ गई, गाड़ी भी अच्छे से मॉडिफाई कर दी, ठीक है। तब चलते फटाफट हमारे लॉस सेंटोस में, देखते सारे इंटीरियर्स भाई, जैसे मैप में बताता हूँ भाई मैं तुमको, ठीक है। ये मेरा एक तो मैप, यार मेरे को ये वाला मोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे तुम यहाँ पे हर जगह देख रहे हो, यहाँ ये शटर जैसे दिख रहा है ना तुमको, ये सारे जो है मोड सारे अपने सॉरी इंटीरियर से जो ओपन हो चुके हैं मोड इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। ओके गाइस, हमारे लॉस सेंटोस में तो आ चुके हैं। अब भाई हम हमारे इंटीरियर्स वगैरह देखते हैं। यहाँ पे तुम लोगों को बताऊंगा, ये जो अपार्टमेंट है सबसे महंगा अपार्टमेंट है ऑनलाइन के अंदर, तो ये वाला भी हमको एक्सेस मिल गया है फ्री में, ठीक है। फ्री में मतलब क्या, यहाँ पे भी हमको इंटीरियर जो है ईजिली मिल गया। थोड़ा चल के देखते हैं हमारी BMW भाई, ये रही बहुत तगड़ी सी। ठीक है भाई, हमने हमारी गाड़ी भाई इधर से लॉक कर दिए, फटाफट चलते हैं अंदर, यहाँ से चलते भाई अंदर। इसके अंदर ई प्रेस करोगे तो तुम लोग अंदर पहुँच जाओगे, वैसे ऊपर लिखा हुआ आएगा। ये देखो भाई, अपार्टमेंट में अपन आ चुके हैं। ये नहीं खुल रहा, ये वाला है शायद। ओके, ये देख लो भाई कितने लग्जरी अपार्टमेंट से, तो हमको ईजिली ओपन हो गए इंटीरियर्स वगैरह। तुम लोग अपने स्टोरीज वगैरह में यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने मज़े मज़े के लिए गेम खुद भी खेलने में काफ़ी मज़ा आता भाई ऐसे इंटीरियर्स वगैरह। एक्सप्लोर करो, बहुत सारे इंटीरियर्स है, टोटल 65 इंटीरियर्स है, तुम लोग खुद एक्सप्लोर करना, काफ़ी मज़ा आने वाला भी, बहुत सारे इंटीरियर्स जो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने खुद के मिशंस वगैरह बना सकते हो, बैंक्स वगैरह है कुछ जो ओपन हो जाएंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें है, बंकर्स वगैरह है काफ़ी सारे। तो ये सब चीज़ें तुम लोग अपने GTA 5 के अंदर ये इंस्टॉल करके, ये वाला मोड इंस्टॉल करके काफ़ी मज़े कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें भाई, तुम यहाँ पे बैठ सकते हो, ठीक है, और चाहो तो टेलीस्कोप से तुम देख भी सकते हो। देखो यहाँ से टेलीस्कोप से पूरा बाहर का भी देख सकता भाई, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये चीज़ भी कर सकते हो। तो एकदम तगड़ा वाला मोड है भाई ये लोग, ये वाला तुम भी यूज़ करो, तुमको भी मज़ा आएगा।
चलते फटाफट नीचे। ओके गाइस, तुम लोगों ने जैसा देखा कि हमने हमारे इंटीरियर सारे ओपन कर लिए, टोटल 65 इंटीरियर से मेप के अंदर मैं तुमको चेकआउट कराए, और एक दो अपार्टमेंट्स में भी, एक अपार्टमेंट में तुमको ले गया था जो काफ़ी बड़े अपार्टमेंट है जो ऑनलाइन में मिलता है, जो ऐसा एक्सेस नहीं मिलता हमको GTA स्टोरी मोड में, तो वो भी इंटीरियर अनलॉक हो चुका, आप अंदर एंटर कर सकते हो। बहुत सारे इंटीरियर से जो आपको खुद को एक्सप्लोर करना काफ़ी मजा आएगा, आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो। ओके सो इसके बाद जो मोड का वीडियो आने वाला है वो भाई माइकल आर्मी का आने वाला है, माइकल की खुद की आर्मी बॉडीगार्ड्स, कैसे वो उसके पीछे पीछे घूमते हैं और कितने बॉडीगार्ड्स को लाता है, उसका मोड है एक पर्टिकुलर, तो वो वाला मोड हम अपने GTA 5 में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो भाई नेक्स्ट वीडियो तक बने रहो और चैनल को सब बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि तुमको मेरा रिसेंट वाला जो भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ मोड का, ठीक है, वो तुमको मिल जाए, तुम अपने GTA 5 में इंस्टॉल कर पाओ। ओके सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।